कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे, इनको इससे इनको सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, जिसपे दोनों जो मेजोरिटी लीडर थे हाउस के, केवन मकार्थी और उसके बाद चक शूमर सेनेटर हैं जो लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के मेजोरिटी, दोनों हाउसेस में जॉइंट सेशन में, और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा एजाज है। यहां आएंगे, कल की सबसे बड़ी खबर यह थी कि तेजा के जहाज जीएम जो है वो प्लांट लगाएगा भारत में, तेजा तैयारों के इंजन वहां बनेंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का इससे पहले जो जापान का दौरा और पैसिफिक का दौरा जो था वो वॉज वेरी सक्सेसफुल, ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था उनका। मैं समझता हूं कि उन्होंने इंडिया के इमेज को 4 चांद लगाया, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने मुल्क के लिए देखें, ही इज रिप्रेजेंटिंग मेजोरिटी हिंदूज, हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, और उनके लिए वो अच्छे हैं, उन्होंने ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। हमारे जो जितने हार्वर्ड कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा दूसरा तो काम कुछ नहीं किया। मेरी दुआ है कि कोई पाकिस्तान में भी कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का स्कूल बनाए और बच्चों को पढ़ाए, कोई डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए। आपके जो जितने अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक बनाते हैं, इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते, हालांकि इंग्लिश और मैथ के बगैर आने वाले दिनों में आपका गुजारा नहीं। सर, इंडिया ने तो कश्मीर को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया है, वहां पे कई लोग जिनमें आप ही जानते हैं कर्नल दानवीर को, उन्होंने भी आज अपनी एक वीडियो लगाई है यूट्यूब पे, और वहां वो गए कश्मीर में और उन्होंने पूरा दिखाया कि वहां पे कैसे लोग टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये तो खैर मेजर गौरव आर्या ने भी बताया था और कई लोगों ने, और हमारी तरफ तो कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं जब 2 दिन पहले दुबई आई हूँ तो एयरपोर्ट पे एक सिंगल फॉरेनर मुझे दिखाई नहीं दिया कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कहीं जा रहा हो, सारे लोकल थे, तो यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। आप ये बताएं कि आपका एक तैयारा तो मलेशिया ने पकड़ लिया, $4 मिलियन आपने नहीं दिए, और उसके बाद आपके सड़कों के ऊपर टैंक चलने की वीडियोस जो है अभी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले चली, जाएगा कोई वहां? मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में एक ग्रुप के सामने बैठा हुआ था, वहां पे एक हमारे भारतीय भाई जो है उन्होंने स्पीच दी, बीजेपी के थे वो, उन्होंने स्पीच दी, ज्यादातर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्यादातर लोग भारतीय थे, आंखें खोल के रख दी उन्होंने, उन्होंने कहा 100 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं भारत के अंदर, 100, नाम लेना आसान है मोदी जी के पीरियड में, और बुलेट ट्रेन और ट्रेनों का एक उन्होंने एक मेरा मकसद है एक फ्लड उन्होंने आ गया हर चीज, और कश्मीर का मुझे पता है वहां पे माल बना रहे हैं दुबई वाले। मैंने सबसे पहले आप ही के सेगमेंट में कहा था कि उस साइड पे जो कुछ हो रहा है इधर वालों को क्या दिखाओगे भाई, ये पूछेंगे कि हमारा क्या कसूर है, लेकिन फिर क्या करें, कोई सोचे, कुछ समझे इन चीजों को, तो तब है ना, कौमियत के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं कर पाती। मैं बहुत अरसे से चीख रहा हूं आरजू, लेकिन सुनने वाले फिर ना समझे तो मैं इसमें क्या कह सकता। सर, ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब को बाहर जाने के लिए ऑफर की जा रही है कि वो कहीं बाहर चले जाएं, वो कह रहे हैं अमेरिका या इंग्लैंड, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जाओ, जहां नवाज शरीफ को भेजा था वहां के लिए वो तैयार नहीं है सऊदी अरब जाने को। सुनने में तो बात आई है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि इस तरह की रवश जो है वो पहले जो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं 150 केसेस हैं, भेजे हैं लेकिन उनका पहले कोई फैसला करके भेजे, मेरे ख्याल में ये हर एक को 10 साल के लिए भेज देना, ये तो इस तरह हुआ ना, 10 साल बाद आए डाका मारा फिर बाहर चले गए, अपने मोहल्लात बना लिए तो वहां जाके रहना शुरू कर दिया, बाद में अपना नेल्सन मंडेला बल के वापस आ गए, इस तरह तो नहीं होता ना। जो आपका कसूर है, आज बहुत एक अच्छा आर्टिकल इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, इकोनॉमिस्ट बड़ा अच्छा एक जरीदा है, बड़ा अच्छा एक मैगजीन है, उसके पहले पैराग्राफ में अपने तो हैरान हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि इतना पॉपुलर बंदा लेकिन इतनी करप्ट कैबिनेट थी इसकी, सब क्रप कैबिनेट, और फिर रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश की, फिर मेरा मकसद क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान के साथ, आइसोलेट किया पाकिस्तान को, चाइना का सीपैक बंद कर दिया, अमेरिका के साथ दुश्मनी है, MBS मोहम्मद बिन सलमान वो नाराज, गालियां निकालते रहे कैबिनेट में बैठ के उसको, लोग फिर उसको ट्रांसलेट करता रहा जो सऊदी एम्बेसडर था,
लेकिन ये कि फिर क्या किया अमीरुल मोमिनीन है, अभी वो गलती तो कर ही नहीं सकता ना, ये सियासत नहीं थी, ये एक मजहबी कल्ट है, एक पर्सनैलिटी। मैं कल बल्कि एक ग्रुप के साथ बैठा हूं, मैं बल्कि आपसे ये भी बात करना चाहूंगा, यहां पे 66 कांग्रेस मैनों से लेटर लिखवा दिए, ये हमारे डॉक्टर भाई जो यहां पे तड़प रहे हैं उनके मोहब्बत में, आज तक इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कोई लेटर लिखवाया? आज तक किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने या किसी मेरे पाकिस्तानी भाई ने आज तक पाकिस्तान के लिए भी लॉबी करने की कोशिश की अमरीका के अंदर? शर्म आती मुझे ये बात करते हुए। अब ये फड़कते फिर रहे हैं कि हाय हार है हमारा इमरान, हाय मिस्टर हैंडसम, हाय मिस्टर हैंडसम, कोई शर्म ही नहीं। तो पाकिस्तान यार नहीं रहेगा तो खान का क्या करोगे भाई, इसको कहां रखोगे जब पाकिस्तान के हालात खराब है? पता नहीं कोई लोग, सर खान साहब तो उन सबको डिसोन कर चुके हैं, वो तो अब कह रहे हैं कि वो लोग मेरे थे ही नहीं। साथ सर एक चीज और है, ये 9 मई को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है 9/11 के साथ के जी वो पाकिस्तान का 9/11 है, आपको लगता है कि वाकई में इस तरह से जोड़ा जाना सही है? बिल्कुल, मैं ये कहूँ, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि 6 जनवरी के लोगों को, 6 जनवरी के यहाँ पे जो पेट्रियट बॉयज का हेड था उसको 18 साल की सजा दी गई, जिस बंदे ने नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर ऑफ द हाउस थी उसकी चेयर के ऊपर बैठ के पिक्चर खिंचवाई है, 4 साल की सजा उसको दी गई। तो जिन्होंने कोर कमांडर का घर जलाया उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए? ये वाकई 911 था पाकिस्तान का आज तक कभी और फिर उसके बाद इनको मिल गए, इनके उनकी चीजें डांट सुन के मिल रहे हैं कि ये कू था बिल्कुल आर्मी चीफ के खिलाफ, इसके अंदर मिलिट्री के लोग भी शामिल थे और ये सारे लोग शामिल थे। देखिए ना, किसी ने सियासी तौर पे जब जुलूस निकलता है लाहौर के अंदर, आजू वो चेरिंग क्रॉस पे जाता है, वो माल रोड पे जाता है, वो डी चौक पे जाके धरना देता है, ये तो टारगेटेड जाके जाके तो उन्होंने सारी मिलिट्री के गए, तो किसी सिविलियन बिल्डिंग को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, बल्कि जो एक प्लाजा भी जलाया वो भी अस्करी वालों का था भाई, कहते हैं बाजवा साहब का प्लाजा है, इनको सारी पता थी चीजें। फिर वो देखे कोड वर्ड में मुरीद साहब मुराद सही साहब की वो ऑडियो आ चुकी जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ भी आपको कहा था, वो फला फला जगह कोड वर्ड में बात करके वो सामने सुन रहे हैं, खान साहब इस्लामाबाद से निकल के जब जा रहे थे तो उस वक्त गाड़ी में बैठ के यही कह रहे थे कि हकीक आजादी छीन के ली जाती है, मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो निकलो बाहर निकलो, ये कर देंगे कंटेनर हटा दो ये। लेकिन सर इनकी भी, सर इनकी भी एक दो जो एमएनए वगैरह भी रही है, कमल शौजेब जो कि इमरान खान ने एमएनए भी बनाई थी, वो उनकी भी ऑडियो आई थी कि जो लोगों को बता रही थी कि GHQ जाना है कहाँ कहाँ जाना है, मगर वो तो कहीं स्विट्जरलैंड वगैरह भाग गई और इसी तरह से इनके लोग भाग गए, आम जो बेचारे थे वही रह गए पाकिस्तान में जो पकड़े गए। देखिए लेकिन आरजू जब तक सजा इनको नहीं देंगे आगे फिर ये कोर कमांडरों के घरों को जलाया जाता रहेगा, ये एक सिलसिला फिर रुकेगा नहीं, इसके ये अदालतें तो फेल हो चुकी हैं इसमें तो कोई शक नहीं, सारी दुनिया को पता है अदालतें फेल नहीं होती, वो तो ऐसी ऐसी जमानतों की उन्होंने किस्में निकाली हैं जो मैंने कानून में आज तक पढ़ी ही नहीं है, कहते आने वाले जुर्म है उनमें भी जमानत है, मैं बहरान इस तरह की जमानत तो सुनी ही नहीं थी कहीं भाई, जुर्म करने से पहले ही जमानत दे दी तुम्हें, जज को ख्वाब आ गया ये कौन सा जुर्म करेगा, ये पता नहीं क्या लोग है यार, हर इंस्टीट्यूशन फेल है, हर बंदे तबाही की तरफ है, कोई मेरे समझ से बाहर। लेकिन सर अब ये इकोनॉमी का क्या करेंगे, वैसे तो खैर इन्होंने कभी डॉलर ऊपर चला जाता है कभी 2-4 दिन के बाद फिर 10-11 रुपए कम हो जाता है, ये चीज तो चल रही है, लेकिन अब ये IMF भी नहीं है, दूसरी चीजें भी नहीं है, ये मुल्क को चलाएंगे कैसे, कोई तरीका है? दूसरा नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे अभी तक, देखिए चलाएंगे किस तरह, ये चल थोड़ी रहा है ये मुल्क, इसको कौन कहता है ये चल रहा है, अभी भी तो रुका पड़ा, मेरे ख्याल में तो बैंकरप्ट हो चुके, डिफॉल्ट आप कर चुके, जब 9,000 कंटेनर आपका कराची पोर्ट पे गल सड़ जाए तो आपको बैंकरप्सी है, वो और क्या है। नवाज शरीफ साहब आएंगे, खैर उसकी वजह यह है कि जो कानून बनाया है कि सोयो मोटो जो एक्शन है उसके डिसीजन के ऊपर उसको उस पर अपील हो सकती है, वो तो आएंगे, वो तो चल रही है बात, वो थोड़ी डस्ट सेटल हो तो वो प्लान तो उनका यही है कि वो आएंगे ये जाएंगे तो फिर इलेक्शन हो जाएगा और साथ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, नए खत्म नहीं होंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, मखलूत गवर्नमेंट बनेगी टूटी फूटी सी, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान की तरक्की उसमें भी नहीं होगी, ये आपको मैं बता दूं, आपके आने वाले इलेक्शन के अंदर मखलूत गवर्नमेंट बनेगी, यही जिस तरह PDM को बस इसमें एक दो पार्टियां इसमें कर लें 20-25
एमएनए इसमें ऐड कर लें आप पीटीआई के, पीटीआई हकीकी के और पीडीएम यही बनेंगे आगे, और लड़ते रहे करेंगे आपस में, मिनिस्ट्रियां बांट लेंगे, बस खाते पीते रहेंगे, और क्या करना है, क्यों सीरियस तो है नहीं है पाकिस्तान चलाने में। सर मिफ्ता इस्माइल साहब बेहतर नहीं थे इसहाक डार साहब से? वो उनसे बेहतर ही काम कर रहे थे, मच बेटर थे। मैं बहुत इंप्रेस हूँ मिफ्ता इस्माइल से, बल्कि उनके उनसे कल क्वेश्चन किया गया है कि आईएमएफ ने जवाब दे दिया तो क्या बनेगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा। उन्होंने कहा इस क्वार्टर में नहीं गया, लेकिन चांसेस है अगले क्वार्टर के अंदर, क्योंकि अभी 4 बिलियन के करीब अभी आपके फॉरन रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन किस्तें आपकी ड्यू हैं। लेकिन अगर आपको बाहर से पैसा ना आया तो अगले क्वार्टर में, ये मिफ्ता इस्माइल साहब कल इंटरव्यू में कह रहे थे। मिफ्ता इस्माइल साहब वॉज ए मच बेटर फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन डाप्स में रिश्तेदारी भी तो देखनी होती है ना। आपको मैंने क्या कहा था आरजू, दुख पाकिस्तान के साले बैगोई की गेम, चाहे दालतें हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट फौज हो, साला बैगोई है बस। वो ये भी साले बैगोई समथिंग है। फिर रिश्तेदारी पे इंटेलेक्ट को भी अकल तो नहीं देखी जाती ना, रिश्तेदारी देखी जाती, रिश्तेदारियां ही मार गई है पाकिस्तान को, फिर क्या करें। पाकिस्तान तो खैर आरजू आपने बनाया ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आप बाहर आई भी हैं, कहीं से कोई 2-3 मंथ नेशनलिज्म मिलता तो प्लीज पाकिस्तान ले जाते, 2-3 बैग ले जाए भर के और नेशनल असेंबली के सामने जाके ना इनको दे। बिल्कुल सर, यहाँ सर इंडियंस मिलते हैं मुझे अक्सर, यहाँ शारजा गई थी तो वो भी जो गाड़ी जो चला रहे थे वो भी इंडियन थे, केरला से थे, और वो इतनी तरक्की इतनी डेवलपमेंट एयरपोर्ट्स के बारे में बता रहे थे केरला में कि हम तो सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद सर हम कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है भारत से, क्यों नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है। दर हकीकत जब नफरतों में आप इतने गुम हो जाए, नफरत की एक्सट्रीम में जाए तो आपके दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर आप तरक्की नहीं कर सकते, नफरत ही कर सकते हैं। और 76 साल से नफरतें ही और उधर से भी हैं, लेकिन इधर से भी कोई, दोनों साइडों से। हालांकि मैं मुसलसल ये कहता हूं कि, और मेरा इस चीज पे बिल्कुल, मैं तो भाई यहाँ अमेरिका में मैं तो रहता ही इंडियंस के साथ हूँ ना, मेरे तो सरदार जो है वो बिजनेस पार्टनर, मैं फिर बिजनेस पार्टनर लफ्ज भी बड़ा छोटा उनके लिए कहूँ, मेरा तो छोटा भाई है वो, और मैं तो रहता इनके साथ हूँ। आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि हम डिफरेंट, हमारा DNA एक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है, हर मैं बिल्कुल मेरे मैं कई जगह सकता हूँ स्पिरिचुअली अटैच विद दम, मेरे वो भाइयों से आगे है और उसकी सारी फैमिली, और इस तरह मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत ज्यादा दोस्त हैं मेरे। आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि वो आर डिफरेंट पीपल। और इसी तरह मुझे याद आता है मेरा ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कि ये 1947 में हुआ है, ये बॉर्डर साफ्ट हो जाएगा, लोगों ने वापस आ जाना है, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, किस तरह हो सकता है कि वो उधर गए तो वो वहीं रह जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें पूरे रीजन की, भारत और पाकिस्तान दोनों में भलाई तो यही है कि कदूरतें खत्म करें, बॉर्डर साफ करें और सुख और शांति के साथ रहने का कुछ बंदोबस्त करें, वरना ये हालात अब मेरे जैसे कई लोग हैं तंग आ चुके हैं ज़हनी तौर पे नफरतों के सुन सुन के, इधर है उधर है, ये सारे मजहब अच्छे हैं मेरे ख्याल में, अगर उनमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश की जाए। मेरी एक बॉटम लाइन होती है हमेशा आरजू, अगर आप किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते, रिगार्डलेस जो कुछ भी हैं आप जीरो हैं, क्योंकि हर मजहब प्यार और इज्जत का सवाल देता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर एक चीज और है कि शायद पूरी दुनिया में एक भारत ही रह गया जिससे अभी तक हमने पैसे नहीं मांगे, जो अमेरिका है उसकी 1.9% 2023 की प्रोजेक्शन है इकॉनमी की, यूरोपियन यूनियन की 0.9% है, और रशिया की 0.7% है, चाइना की 5.2% है, और भारत की 5.9%, और उनकी 6.1% थी 2022। इकॉनमी में वो बहुत आगे जा रहे हैं और मजीद आगे जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन जो हैं यहाँ सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइना पे, और यहाँ पे सीईओ सारी कंपनियों के जो है वो भारतीय हैं, वो वही अपने सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करेंगे भारत में, और उससे मजीद आगे जाएगा भारत, इसमें कोई शक नहीं है। जो मैं सुनता था इसे 10 साल पहले कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो मेरे ख्याल में वो लेकिन सर वो अपनी काबिलियत की वजह से जा रहे हैं, वो अपनी सिफारिश की वजह से, काम की वजह से जा रहे हैं ना। आरजू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो हर 2 साल के बाद एक इंस्टीट्यूट अपना बढ़ा रहे हैं, उसकी टक्कर के यहाँ पे MIT में एडमिशन मिल जाता है, वहां पे उनका मेरिट उससे ज्यादा है। यहाँ जितने सीईओ हैं वो अजय बंगा जो अभी वर्ल्ड बैंक में आए, वो भी इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद से पढ़ के आए। तो भाई देखिये, मैं हमेशा यही कहता हूं कि पढ़ाई तो खैर इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, लेकिन अब देखें यहाँ पे ऋषि सोनक साहब जो हैं भारतीय नजाद जो यूके के हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों पे, बल्कि उन्होंने कानून बनाया है मैथ और इंग्लिश पढ़ाने का, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल इस वक्त नहीं है। आपके जो लीडर हैं उन्होंने ट्वीट करके उर्दू में कर दिया कि कौम जो है वो आगे पढ़ने की सलाहियत नहीं रखती। बिल्कुल ऐसा ही सर, लेकिन सर जिन्होंने पढ़ा है, चाहे वो इमरान खान हो या कोई दूसरे, उनकी काबिलियत भी दिखी रही है, चाहे वो इंग्लिश बोल भी लें सर, उनकी आईक्यू लेवल आपके सामने होता है जिस तरह की बातें खान साहब। नहीं, उनको तो आरजू मैं कहता हूँ 71 साल के टीनेजर है वो। हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है। मैं खैर ये तो मैं कई दफा कह चुका हूँ कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके ये छा गए हैं, हमारे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जाके सारे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। सर अभी तो इन्होंने सर SEO की मीटिंग जो है वो अब इसी तरीके से होगी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं स्काइप वगैरह के जरिए, वरना जब पहले हो रही थी तो मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मेरा जाने का इरादा है, तो वहां पे मेरे एक दो दोस्तों से बात हुई थी कि मैं वहां से टेक्स्ट बुक्स लेकर आने वाली थी कि वो यहाँ पे दिखाई जाए कि भाई वो क्या पढ़ते हैं और हम क्या पढ़ते हैं, लेकिन ये के बहरहाल हो नहीं पाया, हो सकता है फिर कभी से। लेकिन हमारा तो सर स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है ना, हमें तो उसको ठीक करना है। नहीं यार सुनिए, उसकी वजह मैं बता देता हूँ, आपकी पॉलिसीज बनाने वाले जो सारे हैं